आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज एनसीईआरटी 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं, क्लास 11th का सेट थ्योरी का है। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या है कि यदि x और y ऐसे समुच्चय हैं कि n x मतलब नंबर ऑफ x में एलिमेंट कितने हैं 17 है और y में कितने एलिमेंट है 23 एलिमेंट है और x यूनियन y में कितने एलिमेंट है तो 38 एलिमेंट है। तो आपको बताना है कि x इंटरसेक्शन y यानी x कॉमन y में कितने एलिमेंट है ये आपको बताना है। एक फॉर्मूला होता है जो आप जानते हैं, क्या होता है कि n नंबर ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन नंबर ऑफ b होता है। तो इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ, सबसे पहले जहां जहां जो चीज वैल्यू आपको दिया हुआ उस वैल्यू को आराम से उठा के डाल दीजिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा क्या नंबर ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट है 17 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एक्स की जगह पर आप यहाँ पर ये चाहे तो यहाँ पे आप मान लेते हैं एक्स तो एक्स, ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई अगर लेते हैं तो ए के जगह पर हो जाएगा एक्स और बी के जगह पर क्या हो जाएगा वाई, ए के जगह पर हो जाएगा एक्स और बी के जगह पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट है यानी 17 एलिमेंट है, यहाँ का जो वैल्यू है वो अपने को कितना दिया हुआ है 17 एलिमेंट है प्लस, तो प्लस नंबर ऑफ वाई, वाई में कितने एलिमेंट है तो 23 एलिमेंट है और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है, यही तो अपने को पता करना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का एलिमेंट अपने को पता करना है कि कितना है। अब ये जो दिया हुआ है ये कितना है 38 है, आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो 38 हो जाएगा और इसको इसको जब एड करेंगे 3 और 7 10 सुनना हाथ में 1 3 और 1 4 हो जाएगा माइनस एन एन इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। आप चाहे तो इस माइनस वाली वैल्यू को लेके इधर आ सकते हैं और 38 को जो 38 है आप उधर लेके जा सकते हैं, तो माइनस का जो ये इधर आ जाएगा तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा और ये 40 माइनस 38 जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब आपने क्या समझा कि x और y का जो कॉमन आएगा कोई सेट्स उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे तो उसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो हम थोड़ा देर में बताते हैं, आप तब तक के लिए इसे नोट करें। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 18 एलिमेंट्स, मतलब x यूनियन y में कितने एलिमेंट है तो आप कहते हैं कि 18 एलिमेंट है। दूसरी ओर आप बातें करेंगे तो x में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे देखें तो y में कितने एलिमेंट है 15 एलिमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, y में कितने एलिमेंट है तो 15 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कह रहा कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू व्हाट। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आप चाहे तो इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पर वैल्यू को जब पुट कीजिएगा, यहाँ पर जब वैल्यू को आप पुट कीजिएगा तो नंबर ऑफ x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 18 यहाँ पे डाल दीजिए, नंबर ऑफ x में कितने एलिमेंट है 8 प्लस नंबर ऑफ y में कितने एलिमेंट है 15 माइनस, ये आपको बताना है तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 18 हो जाएगा, 18 में 15 को जोड़ दीजिएगा 8 + 23 यानी नंबर ऑफ x यूनियन सॉरी x इंटरसेक्शन y। अब इस वैल्यू को आप इधर लाइए, ये माइनस वाली जो पोर्शन है आप इधर लाएंगे तो नंबर ऑफ x यूनियन y सॉरी इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 23 माइनस कितना हो जाएगा 8 यानी 18, 18 + 5 कितना होता है 23 होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो सारा इसी पे आपका डिपेंड्स करता है। 2-4 एलिमेंट दे देगा आपसे, ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, ये 2 को दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ सकता है, तो 3 वैल्यू देने के बाद आपसे 2 वैल्यू पूछ सकता है। और आगे का जो क्वेश्चन हम करते हैं तब तक के लिए आप इसे नोट करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 400 व्यक्ति के समूह में 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोलता है, 200 क्या बोलते हैं 250 इंग्लिश बोलते हैं और 200 क्या बोल 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोलता है, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 400 व्यक्ति,
तो कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे 400 व्यक्ति हैं। कुल की अगर मैं बातें करूं तो कुल कितना व्यक्ति है यहाँ पे, कुल है 400। कुल कितना है 400, जिसमें दो तरह की भाषाएं बोली जाती है, एक तो बोलता है हिंदी, एक बोलता है हिंदी और दूसरा बोलता है इंग्लिश, जिसमें दो तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग, एक हिंदी बोलता है एक इंग्लिश बोलता है। तो हिंदी बोलते हैं कितने 250 और इंग्लिश बोलते हैं कितना 200 लोग। आप यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाने वाले व्यक्ति कितना है तो 400 है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के कितना लोग बन रहे हैं 400 बन रहे हैं। तो मिलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनियन। इस हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर तो ही व्यक्ति बना है 400। पूरा संगठन कितना का है तो 400 का है। इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास 400 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास 400 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 250 हिंदी बोलता है तो नंबर ऑफ हिंदी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी हो जाएगा 250 और इंग्लिश कितना बोलता है तो 200 तो नंबर ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आपसे कहता है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, मतलब कॉमन चीज कितना है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, ऐसा कितने कॉमन व्यक्ति। तो कॉमन की जब बातें करें तो नंबर ऑफ हिंदी और कॉमन इंग्लिश ये आपको निकालने को बोल रहा है। तो आप एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ हिंदी और यूनियन नंबर ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी और इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे जब आप इस वैल्यू को डालेंगे तो इस पूरी के टोटल का वैल्यू कितना है अपने पास, पूरा टोटल का जो वैल्यू है अपने पास वो है 400। कितना है 400। नंबर ऑफ हिंदी कितना है भाई साहब तो नंबर ऑफ हिंदी है 250 और नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है अपने पास, नंबर ऑफ इंग्लिश है 200 माइनस जो कॉमन है जो दोनों बोल सकता है वो कितने हैं ये आपको निकालना है। तो 250 और 200 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा और ये 400 है। तो 450 माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये 450 जब इधर आएगा तो 400 में से 450 जाएगा तो माइनस का 50 और माइनस एन इंटू नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये 50 खत्म। तो 50 ऐसे व्यक्ति हैं, माइनस खत्म हुआ, 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों भाषाओं को कॉमन करने वाला ये है, कॉमन करने वाला ये है और पूरा करने वाला ये है। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम आपको बताते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, ये क्या आपसे पूछ रहा है क्या कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय है कि एस में कितने अवयव है 21 अवयव, एस में कितने अवयव है 21 अवयव है, तो नंबर ऑफ एस जब आप लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 21 अवयव हो जाएगा। और कह रहा है कि टी में कितने अवयव है तो 32 है, तो नंबर ऑफ टी अपने पास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इसमें एस यू सॉरी इंटरसेक्शन टी में जो है नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में जो है 11 अवयव है, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे ये आपको बताना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या कि नंबर ऑफ एस यूनियन टी का जो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ एस में कितने हैं तो नंबर ऑफ एस में कितना है 21 है और प्लस नंबर ऑफ टी में कितना है, नंबर ऑफ टी में 32 है माइनस एस इंटरसेक्शन टी में कितना है 11, तो 21 और 32 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 53 और 53 में से 11 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 या 42 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी का जो मान कितना हो गया ये हो गया 42 हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको भी बताते हैं, तब तक के लिए आप नोट करें। देखिएगा नेक्स्ट जो है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा जा रहा, मतलब सारा चीज आपको दे देना है, सिर्फ एक फंडा आपको याद रखना है क्या, वो फंडा आपको याद रखना है क्या, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई
माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। इतना बात अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन एकदम इजी वे में हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, कह रहा है कि एक्स में 40 अवयव है, एक्स और वाई दो ऐसे सेट्स हैं कि एक्स में कितने अवयव है 40 अवयव, तो आप डायरेक्ट लिखो ना कि नंबर ऑफ एक्स में 40 अवयव है, बस हो गया। और एक्स यूनियन वाई में कितना अवयव है तो 60 है, तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना 60 अवयव है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना अवयव है 10, तो y में कितना अवयव है तो नंबर ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट। आप सब कहोगे कि फॉर्मूला एक जो होता है कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो इसका जो वैल्यू है वो अपने पास कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, प्लस नंबर ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, नंबर ऑफ y यही तो अपने को पता करना है, और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10 दिया हुआ है, इतना ही सारा दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे देखोगे, 40 माइनस 10 कितना होता है 30 होता है, प्लस नंबर ऑफ वाई और ये कितना है 60 है, 30 इधर चलाएगा तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वाई हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो 30 बराबर नंबर ऑफ वाई हो जाएगा। तो वाई में कितने अवयव है आपको पता चल गया होगा कि 30 अवयव है, वाई में कितना अवयव है 30 अवयव है, तो ये सारा वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, और एक ही फंडा को अपने को याद रखना है क्या कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो ये धीरे धीरे बात आपको पल्ले पड़ेगी, जब आप इस पर मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, देखिएगा मैं पढ़ के आपको समझाता हूं। कह रहा है कि 70 व्यक्ति के समूह में, मतलब व्यक्तियों की संख्या कितना है 70, यानी टोटल व्यक्ति अगर आपको बोला जाए तो टोटल कितना है 70 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6, कितना है 6 नंबर क्वेश्चन है। कुल 70 व्यक्ति के समूह में 37 व्यक्ति कॉफी को पसंद करता है, तो इसमें जो है 37 वो ऐसे पर्सन है जो कॉफी को पसंद करते हैं। भैया किसको पसंद करते हैं, कॉफी को पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉफी जो हुआ वो कितना हुआ 37 हुआ, कौन सा हुआ जो कॉफी को क्या करते हैं पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉफी कितना हो गया Which did like, क्या हो रहा है कॉफी, कौन सा कॉफी, मतलब ये कितने व्यक्ति है 37 है। और उसके बाद कह रहे हैं कि 52 व्यक्ति जो है वो चाय को पसंद कर रहे हैं, तो 52 व्यक्ति जो है भैया वो टी को पसंद कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टी कितना हो गया अपने पास 52 हो गया। जो चीज तैयार है उसी को मैं लिख रहा हूँ। और आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में से कम एक पे पसंद करता है, प्रत्येक व्यक्ति में से कम एक जो है पे पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों को जो पसंद करता है वो क्या होता है कॉमन व्यक्ति होता है, तो नंबर ऑफ क्या कॉफी और यूनियन सॉरी ये कॉफी के बाद कितना है चाय यानी टी, ये कितना व्यक्ति ऐसा है जो दोनों को क्या करता है पसंद करता है, ये कॉमन होता है। अच्छा कुल को क्या बोलते हैं भैया, तो कुल को बोला जाता है नंबर ऑफ कॉफी और यूनियन नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ कॉफी यूनियन नंबर ऑफ टी, यानी कॉफी टी को मिला करके इस दोनों का मतलब क्या होता है योग सम, इस दोनों का मतलब क्या होता है सम, दोनों को मिला करके कितना है 70 व्यक्ति है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है सर, नंबर ऑफ कॉफी ये पहला वाली और प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी। आप कहोगे कि सर इसका तो वैल्यू 70 दिया हुआ है, तो लो 70, नंबर ऑफ कॉफी कितना दिया हुआ है तो 37 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टी कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, यही तो अपने को पता करना है। तो आप इसको जब पता करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, और 37 में 52 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 89, 7 2 9 3 4 5 8, ठीक है। नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी, सॉरी यूनियन बोला जाता है इंटरसेक्शन,
तो ये है प्लस का और इधर जाएगा तो माइनस का, तो 70 माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस एन कॉफी यूनियन टी, सॉरी यार इंटरसेक्शन बोलना, 70 में से 89 घटेगा तो माइनस का 19 बराबर माइनस एन कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये कट गया। तो आपको पता चल गया क्या कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो कॉफी और टी दोनों को पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे कि 13 है, सॉरी 19 है, कितना है 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को क्या करते हैं पसंद करते हैं। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कह रहा 70 व्यक्ति के समूह में दो व्यक्ति, दो तरह के लोग हैं, एक कॉफी को पसंद करते हैं और एक टी को पसंद करते हैं, तो कॉफी और टी दोनों को पसंद करने वाले लोग अगर मिल जाए, दोनों को पसंद करने वाले अगर लोग मिल जाए तो कितना बनेगा 70। कॉफी और टी दोनों को मिल गया तो कितना बन गया 70, जिसमें से कहता है कि 52 व्यक्ति चाय को पसंद करता है तो कॉफी यानी टी को कितना 52 और 37 व्यक्ति कॉफी को, तो नंबर ऑफ कॉफी 37, नंबर ऑफ टी 52, और इस फॉर्मूला पे हमने एडप्ट किया और वैल्यू को मैनिपुलेट किया और यहाँ से नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी का जो माना गया वो कितना हो गया 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा खुद से, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या, कह रहा क्या कि 65 व्यक्ति के समूह में, मैं चाहूं तो इसको लिख भी सकता हूं, कह रहा 65 व्यक्ति के समूह में, तो व्यक्ति का समूह कितना है 65 है, तो कुल की मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर कुल किस चीज का है, कुल किस चीज का है, क्रिकेट पसंद करने वाले का है, फुटबॉल पसंद करने वाले का है, तो कह रहा है कि इसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करता है, तो 65 में से क्या करता भैया 40 व्यक्ति क्या करता है क्रिकेट को लाइक करता है, क्रिकेट को कितना लाइक करता है 40, तो नंबर ऑफ क्रिकेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, एम आई राइट, नंबर ऑफ क्रिकेट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करता है, तो जो दोनों को पसंद करता है वो क्या होता है कॉमन होता है, तो कॉमन कैसे लिखते हैं क्रिकेट और ये होता है टेनिस, क्रिकेट और टेनिस कॉमन ऐसे होता है, और नंबर ऑफ क्रिकेट टेनिस दोनों को पसंद करने वाला व्यक्ति कितना है अपने पास 10 व्यक्ति है। बात को थोड़ा सा मतलब दिमाग में लेने का कोशिश कीजिए, दोनों पसंद करने वाला कितना है 10 है। अब क्या कह रहा है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, हाउ मेनी पर्संस विच लाइक ओनली टेनिस, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब व्यक्ति यहाँ पर दो तरह का है, क्रिकेट खेलता है टेनिस खेलता है, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों को मिला दिया जाएगा तो नंबर ऑफ क्रिकेट टेनिस दोनों को मिला दिया जाएगा तो कितना बन जाएगा 65 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट और टेनिस वाला का तो समूह ही 65 है, 65 है, तो आप यहाँ पे जब करोगे तो नंबर ऑफ क्रिकेट और यूनियन टी क्या टेनिस, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। अब यहाँ पर वैल्यू को आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप क्या कह रहे हैं पूरी का मान यानी यूनियन का मान कितना दिया हुआ है 65, नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है 40 है, नंबर ऑफ टेनिस कितना है पता करना, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस कितना है 10 है, 40 में 10 घटाओगे 30 बचेगा, 30 इधर लाओगे तो 65 माइनस का 30 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टेनिस कितना हो जाएगा 65 में से 30 जाएगा 35 बच जाएगा, तो नंबर ऑफ टेनिस जो अपने पास बच गया वो कितना बच गया 35 बच गया। आई होप कि आपको बात केवल धीरे धीरे पसंद आता होगा। और दूसरे इसमें ऐसी बात भी पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को क्या कहता है किंतु क्रिकेट को नहीं, तो क्रिकेट को पसंद करते नहीं है लोगों की संख्या जो टेनिस को पसंद करता है किंतु क्रिकेट को नहीं, तो टेनिस को पसंद करता है, सुनिएगा क्वेश्चन है कि जो टेनिस को पसंद करता है, दूसरा क्वेश्चन, ये तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपको, अब कह रहा है क्या कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं, तो टेनिस को पसंद करने वाला भैया कितना है 35 हुआ, देखिएगा तो टेनिस को पसंद करने वाला कितना है 35 हुआ। अब सुनिएगा, और कह रहा है जो क्रिकेट को पसंद नहीं करता है,
तो क्रिकेट को पसंद कितना लोग नहीं करता है, तो क्रिकेट को पसंद जो नहीं करता है वो व्यक्ति है कितना, 10। कितना है, 10 है। क्योंकि यहाँ पर आप करोगे नंबर ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट यानी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो क्रिकेट को कितना व्यक्ति पसंद नहीं करता है, तो क्रिकेट को कितना व्यक्ति पसंद, यानी टोटल कितना था, 35। कितना व्यक्ति क्रिकेट को पसंद नहीं करता है, तो दोनों को मिलाकर के पसंद करता है कितना, 10। यानी दोनों को मिलाकर के न करता है, तो क्रिकेट को पसंद नहीं करता कितना, 10। क्योंकि हम दोनों में खेल सकते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन केवल क्रिकेट की बात करें तो मैं तो इसमें नहीं आ सकता हूँ, इजली वे में कह सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, कह रहा यहाँ पे कि एक कमेटी में 50 फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच को पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेंच जो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, नंबर ऑफ फ्रेंच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 व्यक्ति हो जाएगा। और कह रहा है कि 20 व्यक्ति जो है स्पेनिश को पसंद करता है, तो नंबर ऑफ स्पेनिश कितना हो जाएगा, 20 लोग हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। और कह रहा है कि 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो दोनों भाषा बोलता है, फ्रेंच भी और स्पेनिश भी, तो कॉमन बोलो ना, कितना, 10 है ना, हाँ 10 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं, इस बात को आपको निकालने के लिए, मतलब कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं भैया, अगर हम फ्रेंच भी बोल ले तो बात बन जाएगा, अगर हम स्पेनिश भी बोल ले तो बात बन जाएगा, और दोनों बोल ले तो और बात बन जाए। कम से कम की बात पूछे तो आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंच यूनियन ये स्पेनिश। आपको ये क्यों निकालना पड़ेगा भैया, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इस दोनों का संगठन ले रहे हैं। संगठन का मतलब वैसा व्यक्ति जो फ्रेंच भी बोल सकता है, स्पेनिश भी बोला, कम से कम की बात कर रहा है, कोई बोल दे भाई, तो ये दोनों में से कोई एक बोल दे और अच्छा बात होगा। तो नंबर ऑफ स्पेनिश नंबर ऑफ फ्रेंच और माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, तो नंबर ऑफ स्पेनिश कितना है अपने पास, 20 है, नंबर ऑफ फ्रेंच कितना अपने पास, 50 है, दोनों को मिलाकर के कितना है, तो 10 है। 50 और 20 70 में से 10 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कम से कम 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को मिलाकर के मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, एक भाषा की बात किया। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।